सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू, स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सेकेंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सभी को देखिए और आपके जो आपके फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी मैंने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करा दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन यहाँ पर मैं करूंगी और आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे आप तुरंत इनका राइट आंसर लगा करके आएंगे। तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन को केवल आप पढ़ करके मत जाइए, बल्कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके यहाँ से जाइए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक? दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत केवल और केवल जो सामान्य बालक हैं वो इसमें नहीं आते हैं। सामान्य बालकों को छोड़ करके सभी बालक, चाहे कोई बालक देख नहीं सकता है यानी कि दृष्टि दोष युक्त बालक, इसके अलावा मंदबुद्धि से युक्त बालक या ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि मंद होती है, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं या ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते यानी कि श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, इसके अलावा जिनकी अस्थियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या ये कह सकते हैं हम विकलांग बालक, इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक यानी कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इन सभी बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालकों में ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, तो ये सभी बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम विशिष्ट बालकों की बात करेंगे तो उसमें सामान्य बालक नहीं आएंगे, यानी कि जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं क्लास के वो नहीं आएंगे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, बाकी सभी बालक क्या होंगे? विशिष्ट बालक होंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक बालक दिया हुआ, अल्पसंख्यक बालक कहीं किसी प्रकार के कोई बालक अलग से नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी बच्चे एक समान है। तो जहां पर भी अल्पसंख्यक या जाति सूचक शब्द आएगा वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, कौन विशिष्ट बालक नहीं है, नहीं है यहाँ पर कहा है, इसीलिए अल्पसंख्यक बालक क्या होंगे, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट बालकों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का कोई अल्पसंख्यक बालक अलग से नहीं होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जाति धर्म इन सबके आधार पर यहाँ पर बालकों को नहीं डिवाइड किया गया है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में किसी प्रकार से, समावेशी शिक्षा क्या, पूरी शिक्षा में ही सभी बालकों को समान रूप से आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देनी है। एक शिक्षक का यही दायित्व है, बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ से आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी है, यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर जहां पर भी इस तरीके के जाति सूचक शब्द आते हैं अल्पसंख्यक इस तरीके का, तो आप समझ जाइएगा कि वो आंसर तो यहाँ पर वही पूछा ही है, इसीलिए कौन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, इन्हें आप अगर जल्दी जल्दी भी पढ़ाएंगे चैप्टर को तो भी ये समझ जाते हैं, तो अगर आप तेजी से पढ़ा रहे हैं तो भी ये समझ जाएंगे, संपुष्ट कार्यक्रम या समृद्ध कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाएंगे तभी भी ये पढ़ लेंगे। और ऐसे बच्चों पर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अधिक तेज होते हैं, सारे बच्चे तेज नहीं होते, जिनका माइंड बहुत तेज चलता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको यहाँ पर ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान भी इन पर देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रारंभिक अवस्था में बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपी प्रविधि से? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन आ, अवलोकन से। अवलोकन से हम ऐसे बच्चों को आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को? दोस्तों, जो निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है ये सभी व्यक्तियों को हो सकती है,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में कभी ना कभी किसी से सलाह मशवरा लेने की जरूरत ना पड़ी हो। हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की हेल्प लेता है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है, समस्या होती है जिसका आंसर उसके पास खुद के पास नहीं होता, तो वो किसी और से मांगता है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है सभी व्यक्तियों को ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना या उपरोक्त सभी परेशानियां। दोस्तों ये सभी परेशानियां होती हैं दृष्टि दोष की पहचान ऑप्शन द, यानी कि बच्चे को आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वह देखने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों या कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों राइट आंसर है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। अभी मैंने आपको बताया है जहां पर भी आपको जाति सूचक शब्द दिखेगा या इस तरीके से अल्पसंख्यक, ये सभी क्या है, ये सभी किसी भी प्रकार से बालकों को इस तरीके से किसी कैटेगरी में वर्गीकृत किया ही नहीं गया है। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, बौद्धिक दृष्टि से, इसके अलावा शारीरिक दृष्टि से भी होते हैं, शैक्षिक दृष्टि से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिगत दृष्टि से ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यही पूछा है, ये कौन से शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग कौन सा नहीं है, तो जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि या ब्रेल लिपि आपको पता है ऐसे बच्चे तो देख नहीं सकते हैं, यानी कि दृष्टि दोष युक्त बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में, 1992 में, 1993 या 1995 में? राइट आंसर है दोस्तों 1992 में, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर आपने किए हैं आप देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, पूछे हुए हैं पिछले ईयर्स में। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, श्रवण बाधित बालकों को प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, या 50 डेसिबल या अधिक? दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सा, 60 डेसिबल या अधिक, यानी कि 60 डेसिबल या इससे ऊंची आवाज में ही वह बच्चे सुन पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, श्रवण बाधित, यानी कि इन्हें सुनने में दिक्कत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपरोक्त सभी? तो ये सभी विशिष्ट शिक्षा या विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे बालक जो विकलांग होते हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं या अक्षम होते हैं कार्य को करने में, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या 6/18? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अ 6/6, 2019 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो जो शैक्षिक समावेशन है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठा करके पढ़ाना, तो यही शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा जो आपका ये पूरा पेपर है इसमें यही सिखाया गया है कि चाहे किसी भी स्थिति में बालक है, कोई भी बालक है, सभी बालक एक ही कक्षा में पढ़ करके, एक ही कक्षा में आसानी से बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और सभी बच्चों में हमें ये दिखाना कि हर बच्चा अपने आप में समान है, विशिष्ट है, हर बच्चे के अंदर योग्यता है। तो जो समावेशी शिक्षा है इसी प्रकार से बनाया ही गया है ये पूरा पेपर, कि इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है टीचर के अंदर में सभी बच्चे समान होते हैं और कक्षा में सभी प्रकार के बालक एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वह विशिष्ट बालक हो चाहे वह सामान्य बालक हो। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, यही शैक्षिक समावेशन का क्या है तात्पर्य है, सभी बच्चे एक साथ शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? 2, 3, 5 या फिर 7? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग, यंग, थार्नडाइक, स्किनर, नन या फिर अरस्तु? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर है ऑप्शन अ, किंग एवं थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर है किशोरावस्था।
क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि के रूप में या उपरोक्त सभी? दोस्तों, स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, कोई बच्चा बड़ा है, कोई छोटा है हाइट में। इसके अलावा मानसिक रूप से भी भिन्न होते हैं, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, कोई सामान्य है। रुचियां सबकी अलग होती है, किसी की रुचि खेल में है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइंस याद करना पड़ेगा। साइंस में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, वो किरणों को आपस में क्या करता है, समेट देता है, ठीक है। और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, वो किरणों को फैला देता है। तो यहां पर जो उत्तल लेंस होता है इसे हम कहते हैं अभिसारी। अभी ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये आपको कभी नहीं भूलेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये हो गया अपसारी। अब अभिसारी का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और सिर्फ, मतलब वो ज्यादा विस्तार से नहीं सोच पाते किसी चीज को, और उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही सीमित होती है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक कुएं का मेंढक, उसको लगता है कि पूरी दुनिया बस इसी कुएं के अंदर ही, इतनी ही बड़ी दुनिया है। और दूसरा बच्चा जो अपसारी चिंतक होता है, यानी कि जो अवतल लेंस होता है, वो क्या होता है, अपसारी होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये किरणें अगर समांतर आ रही इनको क्या करता है, वो चारों दिशाओं में फैला देता है। यानी कि ये बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये क्या करते हैं, उसके ढेर सारे सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी इस रास्ते पर चल करके भी हमें ये सही से इसका परिणाम मिल सकता है, इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इनके पास ढेर सारे सोल्यूशन होते हैं एक क्वेश्चन के, यानी कि ये कई प्रकार से सोचने की क्षमता होती है इनकी, ढेर सारे विचार इनके मन में आते हैं। तो ऐसे बच्चे अपसारी चिंतक होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा हुनर होता है, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अपसारी का मतलब अवतल, जब जैसे ही आप अपसारी अवतल, आ से अपसारी, आ से अवतल, जैसे ही आप याद करोगे कि अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, किरणों को फैला देता है, यानी कि इसके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, हर दिशा में ये सोचते हैं। जबकि जो अपसारी होता, अभिसारी होता, ये क्या करता, अभिसारी केवल और केवल ये सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये अपसारी चिंतक होते हैं। अब उम्मीद करती हूँ आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? दोस्तों, मितव्ययिता या सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है? दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है यह कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने में क्या महसूस करती है, गर्व महसूस करती है कि किसी भी प्रकार का बच्चा है, किसी प्रकार से विकलांग है या शारीरिक रूप से अक्षम है, सभी बच्चे क्लास में एक साथ आते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, और ये कक्षा क्या करती है, विविधता का उत्सव मनाती है, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है या बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? ईस्टर्न, बिने, टर्मन या फिर कोई नहीं? दोस्तों, जो बिने थे, बिने साइमन, इन्होंने मानसिक बुद्धि का परिचय कराया था सबसे, यानी कि सबसे पहले इन्होंने मानसिक बुद्धि के बारे में सबको बताया था, और या मानसिक सोच भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो टर्मन है इन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि की बात कही थी। तो ऑप्शन सा जो है टर्मन, ये आप याद रखिएगा, सिर्फ आपके इस पेपर के लिए ही नहीं बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? टर्मन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, 110 से 120 दिया है यहाँ पर, 181 से 110 दिया है, 71 से 80 दिया है, 71 से कम भी दिया है। तो राइट आंसर है 71 से कम, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की
बुद्धि लब्धि क्या होगी ये पूछा है यहाँ पर। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, बटे वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष बुढ़े 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 25 25 125 हो गया। तो ऑप्शन आ जो है 125 ये राइट आंसर हो गया। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये यूपीटेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा में एक या दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो बहुत तेज होंगे, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कैसे पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या जब वे चाहें। दोस्तों राइट आंसर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बच्चे क्या बहुत तेज है, इनको आप जो भी चीजें देते हैं वो आप ये बच्चे तुरंत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने बताया है, मैकडूगल ने, स्किनर ने, नन ने या फ्रायड ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत या नींद। दोस्तों भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात प्रेरक हैं, यानी कि जन्म से ही ये बच्चों को पता होता है। भूख लगती है तो रोने लगते हैं इस तरीके से, छोटे बच्चों का क्या होता है इस तरीके से वो करते हैं, लेकिन जो आदत होती है ये बड़े होने पर बनती है, यानी कि ये अर्जित प्रेरक है। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन। राइट आंसर यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन ब, संस्कृति और प्रशिक्षण। किस बच्चे की संस्कृति क्या है, किस बच्चे ने कहां पर उसने ग्रोथ की है, वहां का आसपास का वातावरण कैसा है, ये बहुत मायने रखता है कि उसकी रुचियां कैसी हैं, वह किस प्रकार के खेल पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। राइट आंसर है जैविक मंदता। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, या उपरोक्त सभी। दोस्तों पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच तो होती ही है, इनकी सीखने की गति भी धीमे होती है और ये मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो ऑप्शन दा जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, चित्र, मॉडल, मानचित्र, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विशेष शिक्षा संबंधित है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ब, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यह संबंधित है विशेष शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 35 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या सभी बालकों की। दोस्तों समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह सृजनशील बालकों की पहचान है, यानी कि यह समस्या का आसानी से हल ढूंढ लेते हैं और किसी भी समस्या को लेकर के ये परेशान नहीं होते हैं, आसानी से ये अपना आंसर
ढूंढ लेते हैं, यानी कि अपनी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन सात जो है, सृजनशील बालक या क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में यह किसका कथन है कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। प्रेम, परिचा, काल्पनिक, अब्दुल रऊफ या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन अ, प्रेम परिचा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 बटा इसके अलावा दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मैंने बताया है अभी कि जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। जब बाधितों की बात आएगी दोस्तों तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि श्रवण बाधित बालक और दृष्टि बाधित बालक की भी बात होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बाधितों के लिए ऑप्शन द जो है, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, 85 से कम, 85 से अधिक, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन अ, 85 से कम। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल है, यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं इसमें अधिक बाधित बच्चे या कम बाधित बच्चे, इस प्रकार से इन्हें डिवाइड किया गया है। तो जो कम बाधित बच्चे होते हैं यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता है, तो उनका डेसिबल स्तर क्या है, 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन अ, 35 से 51 डेसिबल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 21 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज ए टीचर आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आप सभी लोग ऑलरेडी शिक्षक हो, तो आपको ये बात पता ही है कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 21 का में, और ये सभी बच्चों का अधिकार है, मूल अधिकार है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21 का, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की बात इसमें की गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की या कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, पिछड़े बालकों की। क्वेश्चन नंबर 43 है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईसीईसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं, विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ब, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 45 है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है, यह कथन किसका है, शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जॉन्स का या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन अ, शिक्षा आयोग का, यह शिक्षा आयोग का कथन है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतया रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च या मध्य। दोस्तों जो बुद्धि लब्धांक होते हैं ये उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। दोस्तों हर एक स्कूल सोचता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि हर बच्चा सोचे कि मुझे और अच्छा करना है, और क्लास में सबसे अच्छा करना है या खेल में सबसे अच्छा करना है, इस तरीके से। तो ऑप्शन द जो है, ये प्रतिस्पर्धा की जो अभिवृत्ति होती है ये सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बच्चा जो डैश रोग से ग्रस्त है, वह सा को वॉस तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि इस तरीके से वह इन इन शब्दों में वो डिफरेंस ही नहीं कर पाता है, यानी कि उसे देखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या वह समझ नहीं पाता है अक्षरों को,
या वह पढ़ नहीं पाता है इन शब्दों को, या वह सही से समझ नहीं पाता है, तो वह किस प्रकार के रोग से ग्रस्त है? ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या शब्द जंबलिंग विकार। राइट आंसर है डिसलेक्सिया, ऑप्शन आ, यानी कि पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में उसे क्या है समस्या है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल चढ़ना, फुदकना, कूदना, दौड़ना, लिखना। दोस्तों चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, इसमें ज्यादा हम क्या करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन लिखने में क्या होता है, केवल हमारे हाथ की मांसपेशियां यूज होती हैं। तो ऑप्शन द जो है लिखना, ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, यानी कि कम से कम क्या करते हैं इसमें हम गतिक कौशल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी, यानी कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो नर्सरी क्लास के बच्चों को हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार। इसमें से कौन सा वह टॉपिक है जो आसानी से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जिससे बच्चे आसानी से समझ भी सकते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मेरा परिवार, यानी कि माई फैमिली। इसके बारे में बच्चे ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे उनके घर में कौन कौन है, तो वो माता पिता जो भी उनके घर में है, जितना भी फैमिली मेंबर है, सभी के बारे में वो बताएंगे, कौन सा फैमिली मेंबर कौन सी एक्टिविटी करता है वो भी वो बच्चे बताएंगे। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक हो सकता है माई फैमिली या मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 51 है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या कानपुर में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आ, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 52 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, अवाबा दोनों या चलन बाधित बालकों के लिए? दोस्तों जो सांकेतिक भाषा है यह श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयोग होती है, यानी कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम संकेत के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से चीजों को पढ़ाते हैं और बताते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन? तो दोस्तों लिखित निर्देशन यह निर्देशन का प्रकार नहीं है। 2017 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट पेपर को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सभी विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप पढ़ सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है किसे? श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन स, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, ये हर जगह ढल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ब, आत्मनिर्भर। ऐसे बच्चों को क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों हकलाने का जो प्रमुख कारण है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आता है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो मनोविज्ञान केंद्र होते हैं वहां पर निर्देशन का भी कार्य होता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है और शोध कार्य भी होते हैं, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दृष्टि बाधिता का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि देखने की जो समस्या होती है बच्चों में वो क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं? ऑप्शन है वातावरण, इसके अलावा यहाँ पर वंशानुक्रम, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सा, दोनों, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है वो होती है बाल केंद्रित, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है,
विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक या ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है डिसग्राफिया, डिसकल्कुलिया, डिसमिथिया या कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आर, डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है या किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का, सेफर का, हेडफील्ड का या लैंडेक्स का? राइट आंसर है ऑप्शन आर, ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति से अनूठापन या कौतूहल? तो प्रतिभाशाली होने का ये संकेत बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों से लड़ाई करिए, दूसरों से लड़िए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बाकी और सभी चीजें हैं, विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति से अनूठापन यानी कि आप जब बोलें तो चार लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, और कौतूहल भी होना चाहिए यानी कि आप हमेशा बिल्कुल गंभीर ना रहें, आप हंसी मजाक करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आए। तो ये सभी क्या है, ये प्रतिभाशाली होने के संकेत होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरे टोटल 65 क्वेश्चंस पढ़े पार्ट वन में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी, तो इन सभी वीडियोस को आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग प्लीज जितना शेयर करोगे उतना अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और उतने अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देख सकें। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। और एक बार फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पूरा आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ा दिया है, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं और सभी विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सभी विषयों का रिविजन हम करा दे रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अपने ऐसे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।